नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरकाबाद से। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने सपा की आईडी सेल पर हुई टिप्पणी को लेकर दिया बयान। किसी महिला पर टिप्पणी होती है तो भाजपा समर्थन नहीं करती। समाजवादी पार्टी आईडी सेल से बरसों से हो रही थी अभद्र टिप्पणी, सपा का संरक्षण प्राप्त होता रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। जितनी प्रतिष्ठा आम पिछड़ी लोधी समाज की बेटी की है, सांसद की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी की है, उतनी इज्जत आम महिला व बेटी की। सपा हताश और निराश है। सपा के कार्यकर्ता व नेतृत्व के पास कोई मुद्दा नहीं मिलता तो इज्जत गिराने और बेइज्जत करने पर उतारू होते। समाजवादी पार्टी के आईडी सेल के पेज पर टिप्पणी होने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्या कहा भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त ने, रिपोर्ट देखिए रघुवंश दुबे के साथ। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की जो सोशल मीडिया हेड है ऋचा राजपूत जी, उन्होंने समाजवादी पार्टी की मैनपुर से सांसद डिंपल यादव जी और उनकी बेटी पर कुछ अभद्र टिप्पणियां की हैं, उसको लेकर क्या आप सोचते? देखिए, टिप्पणी अगर किसी भी महिला पर होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन नहीं करती है। लेकिन जो मैंने जाना और समझा, एक तो बड़ी शर्मनाक बात है कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल आईटी सेल के पेज से ये लगातार अभद्र टिप्पणियां पिछले कई लंबे समय से वर्षों से हो रही थी और ऑफिशियल हैंडल से होती रही और समाजवादी पार्टी के निश्चित तौर पर नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त था। जब वो टिप्पणी व्यक्तिगत तौर पर हमारी कार्यकर्ता के इज्जत आबरू पे आई, उसकी इज्जत आबरू उतारने की कोशिश करी गई, तो हो सकता है उसके रिएक्शन में कुछ उन्होंने पलटकर कहा हो। मैं उन्होंने जो कहा उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर जितनी प्रतिष्ठा जितनी इज्जत एक आम पिछड़ी लोधी समाज की बेटी की है, तो अगर प्रतिष्ठा जो है वो सांसद के पत्नी की है, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी की भी है, तो एक आम पिछड़ी परिवार की महिला बेटी की भी उतनी इज्जत है। ये दोनों बातों का ध्यान हमको रखना होगा। क्या लगता है राजनीति का प्रवेश इतना गिरता चला जा रहा है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां करनी पड़ रही है एक दूसरे को पार्टी के लोगों? देखिए, समाजवादी पार्टी हताश और निराश है। चूंकि विकास के मामले में, जनता का हित के मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले लंबे समय से अपना प्रदर्शन कर रही है, चुनाव भी जीत रही, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेतृत्व है, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो ये इज्जत गिराने पर, बेइज्जती करने पर उतारू हो जाते हैं और ये इनकी हताशा और निराशा का प्रतीक है। इस मामले पर शिवपाल यादव जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं परंपरागत राजनीति को खत्म कर रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमारी तो एक कार्यकर्ता ने बहस में प्रतिउत्तर दिया है। पहली बात तो गंदी भाषा का उसने शुरुआत नहीं करी उपयोग करने की। आपके तो ऑफिशियल आईटी सेल के हैंडल से ये सब ट्वीट हो रहा है और लगातार हो रहा है, सालों से हो रहा है, हमारे बड़े बड़े नेताओं के प्रति हो रहा है, और किसी बहस में जब आप फंसते हैं तो आप इज्जत आबरू और लड़कियों पर टिप्पणी शुरू कर देते हैं। तो ये उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि कैसे संस्कार या कैसी शिक्षा वो अपने कार्यकर्ताओं दे रहे हैं जो इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस पक्ष पे, और जबकि समाजवादी पार्टी के जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, किसका कितना दोष है, कौन कितना इन्वॉल्व है, किसकी कितनी गलती है, और कानून में किसका दोष कितना बनता है, उस आधार पर पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई कभी भी एकतरफा नहीं होती, जो दोषी होता है उस पर कार्रवाई होती है। आप संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से? देखिए, नेतृत्व से चर्चा करी जाएगी और हमारी पार्टी पर कार्रवाई की बात तो बाद में बनती है। पहले मैंने कहा जो ऑफिशियल आईटी सेल के हैंडल से हो रहा है, तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारी पार्टी कार्यकर्ता ने गलती करी है, हम लोग आत्मचिंतन करेंगे, समझेंगे, क्या बनता है उस पर निर्णय करेंगे।